हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो थी त्रिकोणमिति पढ़ी थी 8th चैप्टर के अंदर, उसमें हमने क्या किया था, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले किए थे। अब उन्हीं त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों का यूज होकर हमें क्या निकालना है, किसी त्रिभुज की साइड निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 9.1 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें मेन होती है, एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। इस पूरी एक्सरसाइज जो है, ये पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार है, ये मीनार है, ठीक है, ये बहुत सुंदर, या फिर ये कह दो बिल्डिंग है। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं और हमें एक बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैं जा रही थी और मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे ना एक सुंदर सी बिल्डिंग दिखी, तो मैंने क्या कहा, मैं उस जब बिल्डिंग को नीचे से देखती हूँ और ऊपर तक देखती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ये जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ, पूरी बिल्डिंग को कवर कर रही हूँ, देख रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ देखती हूँ, तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, और ये उन्नयन कोण किसके साथ बनता है वो भी देखिए। ये उन्नयन कोण, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी आईज ये है, ठीक है, मेरी आईज की बिल्कुल सीध में, मेरी आईज की बिल्कुल सीध में ये लाइन है। ठीक है, तो मेरी आईज की बिल्कुल सीध में और ये जहां मैं देख रही हूं, ये मेरी रेखा होती है दृष्टि रेखा। ये कौन सी रेखा होती है बेटा, दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर याद ना रहे तो ये देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ, ऊपर ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है, तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो देखिए, ये भी उसे शुरू होता है और ये भी उसे शुरू होता है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका अवनमन कोण, वो कैसे बनता है अवनमन कोण, इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ छत पर खड़ी हूँ, बच्चों को खेलता हुआ देख रही हूँ, यहाँ से बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ उनकी बॉल है, मैंने क्या, मैं यहाँ पर खड़ी होकर उसकी बॉल देख रही हूँ। ठीक है, मैं वहां से इसकी बॉल देख रही हूँ, ये बॉल है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बॉल है, लेकिन मेरी आंखों की जो सीध है, मान लीजिए मेरी आईज ये है, ठीक है, मैं मेरी आंखों से इस बॉल को देख रही हूँ, एक तो एक मेरी आंखों की बिल्कुल सीध वाली रेखा ये है। ठीक है, सीध वाली रेखा कौन सी है, ये, तो इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है, वो क्या होता है बेटा, अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये तो हमारी, मैं यहां से देख रही हूँ, ये तो हमारी क्या है, दृष्टि रेखा, ये क्या है, मेरी दृष्टि रेखा, और ये मेरी कौन सी रेखा है, सीध वाली रेखा। ठीक है, तो ये क्या होती है, अवनमन कोण होती है। दूसरा, आपको पता है कि एकांतर है, जैसे कि मान लीजिए कि दो लाइन है आपके पास, ठीक है, दो लाइन है, क्लियर है। अब ये देखिए, दो लाइन के अंदर आपकी ये वाली जो है, ठीक है, या फिर आप ये कह लो, हाँ, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होती है, ये वाली और ये वाली। मान लीजिए आपने क्या है, जो सिक्स चैप्टर में क्या होता है कि सिक्स चैप्टर में आपने क्या होगा कि आप क्या करते हो, दो समांतर रेखा है उनको कोई भी एक लाइन टच कर रही है, ठीक है, तो देखिए काट कर जा रही है, तो आप क्या करते हो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो और फिर भी नहीं पता चले तो ये देखो, एक का अंतर, एकांतर, एक का अंतर आए जिसमें, तो देखिए एक, ठीक है, फिर यहाँ यहाँ वाला सेम नहीं होगा, उसके दूसरे वाला सेम होगा, क्योंकि एक का अंतर आ रहा है ना, एक का अंतर आ रहा है, एक के बाद दूसरा सेम नहीं होगा, दूसरे के बाद तीसरा सेम होगा, एक का अंतर के बाद सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो है, ये मान लीजिए वन है, ये आपका टू हो गया, वन किसके इक्वल हो गया, टू के, और ये जो थ्री एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका फोर एंगल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी वही सेम आते हैं, देखो तीन के बाद यहाँ नहीं है गैप, यहाँ गैप है, ये वाला सेम नहीं है बल्कि उससे अगले वाला सेम है, मतलब एक के बाद सेम आता है। ठीक है, एक के बाद सेम आता है, कंटिन्यू सेम नहीं आता।
इसमें क्या हो रहा है, एक का अंतर आ रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। इसमें वन कोण किसके बराबर आता है बेटा, टू के, और कोण थ्री किसके बराबर आ रहा है, कोण फोर के, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला है, ठीक है, मान लीजिए ये सीधी रेखा खींच दी मैंने पाद बिंदु के साथ इसकी, ठीक है, ये पाद बिंदु के साथ खींच दी, तो ये वाला कोण जो है ना ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यों, ये क्या है एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है। हमेशा ये बात तो याद रखो कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। जो कोण यहाँ पर दिया होगा वही कोण सेम यहाँ पर होगा एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। दूसरा हमें इस चैप्टर में इसमें क्या करना है कि जो चीज हमें निकालनी होती है ना बेटा वही चीज हमें ऊपर रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और उसने आपसे पूछा कि ए बी निकालो, क्या निकालो, ए बी निकालो, ठीक है। अगर आपको ए बी निकालना है और बी सी आपको आठ दे रखा है तो आप क्या करोगे, ए बी बटे में बी सी करोगे, ठीक है। जो चीज आपको निकालनी होती है ना बेटा वो आप ऊपर लिखोगे, नोट, ये चीज आपको लिखनी है नोट, जो चीज आपको निकालनी है ये नहीं है कि अगर आपने, मैंने ये बोल दिया कि जो चीज निकाली वो ऊपर रखनी है तो अगर आप वो नीचे रख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा जब आप नीचे रखोगे और आप ऐसे करोगे तब भी सही होगा, लेकिन इस तरीके से करना थोड़ा इजी रहेगा, उस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वही करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। देखिए सर्कस का कोई भी कलाकार है वो डोरी पर ऐसे तो चढ़ेगा नहीं, सीधा तो चढ़ेगा नहीं, ऐसे कर ऐसे डोरी होगी तब उसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ेगा वो, ठीक है। और ये जो डोरी है वो कितनी है, 20 मीटर लंबी, ठीक है, डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी, भूमि पर देखिए क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, सर्कस का एक कलाकार है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। देखिए अगर वो एक किसी रस्सी पर चढ़ रहा है सर्कस का कलाकार तो वो ऐसे तो चढ़ेगा नहीं, ऐसे चढ़ेगा ना इसके ऊपर से इसके ऊपर, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी रखी है 20 मीटर लंबी है जो, ठीक है। और भूमि पर लगे खंभे, भूमि पर कोई एक खंभा लगा हुआ है, ये भूमि है इस पर एक खंभा लगा हुआ है, उसके शिखर से बंधा हुआ है, ये रस्सी जो है ना उसके शिखर से बंधी हुई, यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है। यदि भूमि के सतर के साथ, भूमि के सतर, भूमि का सतर ये हो गया, के साथ, भूमि के सतर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखो भूमि का सतर तो ये हो गया बेटा, ठीक है, और डोर कौन सी है ये वाली, उसके साथ बनाया गया कोण उसने बोला 30 डिग्री है। देखो क्या बोला उसने, ये तो है डोर, उसने बोला कि भूमि का सतर तो ये हो गया और डोर के साथ जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई निकालो, तो खंभे की ऊंचाई तो हमें क्या निकालनी है, मतलब ये निकालनी है मुझे, ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, आपको ये क्या मान लिया ए है, ये क्या मान लिया बी, और ये क्या हो गया आपका सी, ठीक है। आपको पता है आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में आपको ये पता है, एक रूल मैंने आपको 8th चैप्टर में करवाया था वही उसका यूज होगा बार बार में, जैसे कि लाल, ठीक है, और ये है कक्का, लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का में मैंने आपको बताया था ये साइन होता है, चलो दोबारा से यहाँ करवाती हूँ इसको, लाल ये होता है कक्का, ठीक है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस के लिए और ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोसिकेंट के लिए, ये होता है सिकेंट के लिए और ये होता है आपका कोट के लिए, ठीक है। अब ये देखिए आप, अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो इसको ये ऐसे याद रखो, एस सी टी, एस सी टी और सी एस टी,
SCT और CSC, सोना चांदी तोल और CSC सेंटर पे जा, सोना चांदी तोल और CSC सेंटर जा, ठीक है। इसको इस तरीके से याद किया जाएगा। लाल कक्का, अब देखिए एल से क्या बनेगा, लंब, के से करण, ए से आधार, के से करण, एल से लंब और ए से आधार, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, ये दे दिया इसने, क्लियर बेटा। मुझे निकालना है ए बी, कैसे निकालूंगी मैं, सोचने वाली बात है, ए बी कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगी, त्रिभुज ए बी सी में मैंने आपको बताया था जो मुझे निकालना होता है ना बेटा, मैं वो ऊपर लिखूंगी, ए बी लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है, ए बी ऊपर, और जो चीज मुझे दी हुई है ए सी दिया हुआ है वो मैंने नीचे रख दिया ए बी। अब देखिए कोण के बिल्कुल सामने वाला, अगर आपको कोई कोण दे रखा है, कोण दे रखा है 30 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा वो क्या होती है आपकी, लंब होती है, वो क्या होती है, लंब, क्या होती है, लंब। तो इसका मतलब मैंने ऊपर क्या लिखा है, लंब, और नीचे क्या लिखा है, ये क्या है, सबसे बड़ी वाली क्या है, कर्ण, ये मैंने कर्ण लिख दिया, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 30 डिग्री। लंब कितना दे रखा है पता ही नहीं है, ए बी, करण कितना है 20 मीटर बराबर ये बटा दो, तो ए बी का मान कितना आ गया 20/2, तो ये कितना आया 10, तो ए बी का मान कितना आया बेटा 10 मीटर, कितना आया 10 मीटर। इसका मतलब आपकी जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी आई है 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई कितनी आई बेटा 10 मीटर आई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, उसमें क्या दिया हुआ आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, मान लीजिए पेड़ आपका ऐसे है, पेड़ हमेशा बीच में से तो टूटेगा, ठीक है, यहाँ से जमीन से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, वो हमेशा बीच में से टूटता है, जब ये टूटता है तो ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे टूटा तो ये ऐसे गिरा, ठीक है, नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का ये शिखर ये नीचे जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, देखो पेड़ का पाद बिंदु ये होगा, पाद बिंदु मतलब पेड़ का पैर वाला हिस्सा, पाद बिंदु की दूरी, की दूरी, ये दूरी जहां पेड़ का जो शिखर जमीन को छू रहा है वहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर दी हुई है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली और ये वाली दोनों को मिला के क्या बनेगी, पेड़ की ऊंचाई बनेगी, तो पेड़ की ऊंचाई तो मेरी क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये सी, तो पेड़ की ऊंचाई तो आपकी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आपकी होगी ए बी प्लस में ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये होगी ना, ये दोनों की पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए बी प्लस ए सी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एसी निकलेगा, एसी निकलेगा, फिर मुझे ए बी निकालना है, तभी मेरी दोनों की जो ऊंचाई आएगी उन दोनों को जोड़कर वो ऊंचाई निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, त्रिभुज ए बी सी में जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम क्या रखते हैं, नीचे, और जो चीज हमें निकालनी होती है वो कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो मुझे मान लीजिए ए सी बटे में बी सी ले लिया, ये बात हमेशा याद रखो, कोण के सामने वाला जो भुजा होती है ना वो लंब होती है, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, फिर ये आधार हो गया, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, करण होती है। तो देखिए एसी तो मेरा क्या है, लंब, और बीसी क्या है, मेरा आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अगर लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है तो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट ये कितना हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया बेटा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, बीसी की जगह पर बीसी का मान रख देंगे, बीसी की जगह पर आप क्या करोगे, बीसी का मान रख दोगे, बीसी का मान कितना आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, टेंजेंट 30 का मान कितना है, 1/√3, ठीक है। और एसी, एसी की जगह पर कितना दे रखा आपको, एसी, एसी तो हमें निकालना है, तो ये हमें निकालना है, बीसी कितना दे रखा है, 8, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/√3, ये तो हो गया आपका एसी का मान, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, ए
बी। तो दोबारा से इन त्रिभुज ए बी सी में, तो अब ए बी को ऊपर रखेंगे, जो हमें निकालना है ए बी, तो ए बी को ऊपर रखो और बी सी। अब ए बी क्या है, कर्ण, और बी सी क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सिकेंट, सिकेंट 30 डिग्री। सिकेंट कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए सिकेंट 30 डिग्री है, तो ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी, ए बी हमें निकालना है, और ये कितना हो गया आपका बी सी, बी सी आपका 8 बराबर में, और सेकेंड 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, तो ये 8 उधर चला जाएगा, 8 × 16, तो ए बी का मान कितना आ गया आपका 16/√3 मीटर। मुझे क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आपको पता है क्या होती है, ए बी प्लस ए सी, ए बी कितना निकला है मेरा 8/√3, और एसी कितना निकला है मेरा 16/√3, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24/√3, ठीक है। अब देखिए √3 नीचे है, रूट वाली स्टेटमेंट जो होते हैं वो कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, हर कपरी में काम कर देती हूँ, √3 से ही गुणा कर देती हूँ और √3 से ही भाग कर देती हूँ, तो वहां क्या जाएगा 24/√3, और √3 में क्या बच जाएगा 3, तो 3×8=24, तो क्या है आपका 8√3 मीटर आपका पेड़ की ऊंचाई आई, 8 × √3 आपकी क्या आई है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, समझ आया सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया हुआ आपको, क्या बोला थर्ड क्वेश्चन में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष की उम्र के लिए, 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करता है, एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए आपको पता है फिसलन पट्टी कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, उसने कहा फिसलन पट्टी ऐसे होती है, और उसके साथ स्पोर्ट यहाँ लगानी पड़ती है, यहाँ लगती है ना स्पोर्ट, ठीक है। अब ये देखिए उसने क्या किया, 5 से कम उम्र के, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको करनी पड़ेगी, थर्ड क्वेश्चन में आप लिखोगे 5 से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, और ये है 5 से ज्यादा उम्र के, ठीक है। तो उसने क्या किया, लगाना चाहती जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका शिखर, शिखर मतलब ये वाला 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, भूमि के साथ कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे क्या करते हैं, 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो भूमि के साथ, ये भूमि होगी, उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब फिसलन पट्टी की आपको क्या बतानी है, लंबाई, फिसलन पट्टी कौन सी होगी हमारी, ये, ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी है। देखिए स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 1.5 मीटर शिखर है, पहले से स्पोर्ट तो लगानी पड़ती है ना, उसी के ऊपर तो फिसलन पट्टी बनेगी, ये तो 1.5 मीटर की है, और 5 से ज्यादा वालों के लिए ये कितने की है, 3 मीटर की है, ठीक है। तो आपको फिसलन पट्टी तो आपकी ये होगी ना, ऐसे फिसलते हैं, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है दोनों के केस में, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी है, और ये आपने क्या मान लिया, आपको पी क्यू आर मान लिया, ठीक है, दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस आपका ये होगा और सेकेंड केस आपका उधर है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में आपको निकालना है ये, तो देखिए आपको मैंने बताया था जो चीज आपको निकालनी है वो आप कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब कोण जो है वो 30 डिग्री ये दिया हुआ है, मैंने ये भी बताया था कि कोण के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है आपका, लंब होता है, क्या होता है, लंब, इसी तरीके से आपका लंब इधर क्या है, ये, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ए बी जो चीज निकालनी है, ए बी निकालना है, ए बी
बट ए में क्या रख दोगे? ए सी जो निकला हुआ है वो हम नीचे रखते हैं। ए बी क्या हमारा कर्ण और ए सी क्या मेरा लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब क्या होता है, देखिए कर्ण बटे लंब कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट, कोसिकेंट कितना, कोसिकेंट है 30 डिग्री, ठीक है। कोसिकेंट क्या है 30 डिग्री। ए बी तो मुझे निकालना है, ए सी क्या है मेरा, ए सी, ए सी है मेरा 1.5, ठीक है। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 डिग्री का कितना होगा बेटा, 2, ठीक है। तो ए बी मेरा कितना निकल जाएगा, 1.5 × 2, ठीक है। बटे में अगर पॉइंट आके मैं 10 लगा दूं तो 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15, तो 3 मीटर आ गई, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की हूं, 5 से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई मीटर, ठीक है। दूसरा, अब हमें सेकंड केस, सेकंड केस देखना है कि 5 से ज्यादा वालों के लिए क्या करना है। तो सेम वही, इन त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपको क्या निकालना है, पी क्यू बटे में पी आर किसके बराबर हो गया हमारा, सेम कोसिकेंट 60 डिग्री के। कोसिकेंट क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री के। कोसिकेंट क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री के, ठीक है। तो पी क्या हुआ आपको निकालना है, पी आर आपको कितना रखा है, 3, ठीक है। ये कितना होगा, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना गया, पी क्या हुआ बराबर में 6/√3, √3 से ही गुणा कर दोगे, √3 से ही भाग करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × √3 और बटे में 3, 3 × 2 = 6, तो ये कितना आया आपका, 2√3 मीटर। तो देखिए 5 से ज्यादा उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई तो कितनी आई है, 2 × √3, और 5 से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है आपकी, 3 मीटर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको फोर्थ, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको, देखिए क्या दिया हुआ फोर्थ क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, कोई भी भूमि है ये, ठीक है, इसका एक बिंदु ले लिया, और मीनार के पाद बिंदु, मीनार है ये, मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी दी हुई है वो कितनी दे रखी है आपको, आपको दी हुई है 30 मीटर की दूरी, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मैंने बताया था ना उन्नयन कोण हमेशा ऊपर देख रहे हैं हम, तो यहां से ऊपर देख रही हूँ, यहां से ऊपर देख रही हूँ, तो ये कितना है, 30 डिग्री है, तो मतलब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री का है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है। आपको ये दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी, जो चीज आपको निकालनी है आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये हो गया आपकी मीनार, इसको मान लिया एच, ठीक है। आप लिखोगे मीनार की ऊंचाई बटे में क्या है आपका, अब देखिए ये कोण है, कोण के बिल्कुल सामने में क्या दिया हुआ आपको, लंब, बटे में हो ये क्या, आधार, तो ये क्या हो गया आपका, बीसी, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार टेंजेंट, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट क्या हो गया ये 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा आपको h, और a कितना दे रखा है 30, और ये कितना हो गया 1/√3, ठीक है। तो ये तो h को तो यही रहने दो, 30 और ये √3 है, ठीक है, मैंने बताया था √3 नीचे हो तो गुणा उसी से कर देते और उसी से भाग, तो ये कितना आ गया 30√3/2, देखो ये 3√3 × 10 = 3, ये कितना आ गया आपका 10, इसका मतलब 10 × √3 मीटर है आपकी मीनार की ऊंचाई। आपको लिखना है मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, 10 × √3 मीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या दिया हुआ है,
देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको फिफ्थ में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। देखिए भूमि ये हो गई और 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। पतंग की जो डोरी है वो इस तरीके से है और इसको मैंने भूमि से कहीं पर बांध दिया, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का, भूमि के साथ, तो भूमि तो ये है ना बेटा और डोरी है, ये कितने डिग्री का झुकाव पर है, 60 डिग्री, ठीक है। देखिए भूमि आपकी ये है और डोरी आपकी ये है, तो इसके साथ कितने डिग्री के झुकाव पर है, ये 60 डिग्री। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये बिल्कुल सीधी तली हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, ठीक है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। देखिए पतंग आपकी ये है, पतंग आपकी ये है और आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ है, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। ये डोरी है आपकी, ये क्या आपकी डोरी है, आपको इसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है बेटा। आपको यहां से इसकी दूरी कितनी रखी है, 60 मीटर, क्लियर है। आप क्या करोगे, इसको ए मान लो या फिर इसको ए ही मान लो, इसको बी मान लेते और इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं, ठीक है। इन आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, ये निकालनी है, कोण आपका यहाँ है, अगर कोण के सामने वाला क्या होता है बेटा, लंब, क्या होता है, लंब, इसका मतलब ये तो आपको लंब दिया हुआ है और ये आपको आधार है और ये क्या है, करण है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी के अंदर आपको क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी है वो क्या रखते हो आप, ऊपर, तो ए सी तो आपने ऊपर रख दिया, जो चीज आपको दे रखी है ए बी वो नीचे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करण बटे में लंब हो गया, करण बटे लंब क्या होता है, करण बटे लंब, देखिए करण ये है लंब ये है, तो ये क्या हो गया आपका, कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट क्या हो गया आपका, 60 डिग्री, ठीक है। आपको पता है साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो ये कितको क्या हो जाएगा आपका, करण, करण मतलब ए बी, और आपको ये कितना दे रखा है, 60, ये हो गया आपका 2/√3, ठीक है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका, 60 उधर ले जाओ आप, गुणा 2/√3 है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि √3 कभी भी नीचे नहीं आता, आपको उसका हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, √3 से ही गुणा और √3 से ही आप क्या कर दोगे, इसे भाग कर दोगे, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया था, 120 और गुणा में कितना है, √3, और √3 दो बार है तो कितना हो जाएगा, सिंपल 3, तो 3 × 12, तो आंसर क्या है आपका बेटा, 40√3 मीटर। इट मीन्स आपका मतलब ये है कि जो आपकी डोरी है पतंग की, पतंग की डोरी की लंबाई आपकी कितनी आई है, पतंग की डोरी की लंबाई आपकी आई है 40√3 मीटर, ठीक है, समझ आया सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा कोई एक लड़का है, ये 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये 30 मीटर ऊंचा कुछ भवन, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लो ये लड़का यहां से चलकर ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण, उसकी आंख, आंख तो उसकी यहां पर है, ठीक है, और शिखर ये है, उसके भवन का शिखर ये है, ठीक है। शिखर का जो उन्नयन कोण है, क्या बोला उसने, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो वो देख रहा है, तो उसका जो उन्नयन कोण है, इसकी आंख की सीध वाला कोण बनेगा ना बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्नयन कोण हमेशा ही और अवनयन कोण किस किस के बीच में बनता है, एक तो दृष्टि रेखा के बीच में और दूसरा आपकी आंख की बिल्कुल सीधी रेखा के बीच में, तो ये तो गया 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है तो एक बनता है उसका 60 डिग्री, क्या बनता है, 60 डिग्री, पहले कितना बना, 30 डिग्री, देखिये वो ऐसे जा रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बच्चे पहले 60 कर देंगे फिर 30 कर देंगे, देखिये वो लड़का ऐसे जाएगा भवन की ओर,
तो उसने खुद साफ लिखा हुआ है मैथ के अंदर कि पहले वो 30 डिग्री का बनाता है फिर 60 का, तो पहले 30 डिग्री का बनाएगा और फिर क्या बनाएगा बेटा 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो डोरी उसके बाद उसने क्या कहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब आपको ये बताना है यहां से ये यहां तक भवन की ओर कितनी दूरी चला, मतलब ये चीज आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, सिर्फ इतनी दूरी निकालनी है भवन की ओर वो कितनी दूरी चला, सिर्फ इतना निकालना है। तो कैसे करेंगे अब हम ये देखिए, आपको भवन दे दिया पूरा 30 मीटर, ठीक है, और ये है लड़के की लंबाई, ठीक है। अब ये देखिए मुझे तो सिर्फ ये ट्रायंगल की जरूरत है ना, ए बी सी और ये डी, मुझे इस बीच का तो कोई पोर्शन चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी ये पूरा मेरा 30 मीटर है, तो अगर मैं इस पूरे 30 में से इतने वाला हिस्सा घटा दूं तो मेरा पूरा इतना ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे लेना तो ए और बी सी है या फिर ए बी सी है, क्लियर है मेरी बात, समझ गए। तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए ये मेरे पास है कोई एफ पॉइंट है, ये क्या है एफ, तो मेरा पूरा ये ए एफ जो है ए एफ, ए एफ भवन है, ए एफ क्या आपका भवन है, ठीक है, भवन की ऊंचाई, ये क्वेश्चन नंबर छठा, भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर, ठीक है, और लड़के की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है एसी, एसी कैसे निकलेगा, एसी मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, तो ए एफ में से सी एफ बटा दो, ए एफ माइनस सी एफ, ए एफ कितना दिया हुआ आपको पूरा 30, सी एफ कितना हो गया, देखो सी एफ जो यहाँ है वही ये रहेगा, सी एफ उतना ही रहेगा, तो ये कितना हो गया आपका 1.5, ठीक है, ये घटाया। अब घटाना कैसे वो देखिए, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 30 है, ठीक है, पॉइंट लगा के 0.0 लगा दो, आपको 1.5 दिया तो 1.5, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से गया 8, तो यहाँ क्या बचा 2, तो ये बचा आपको 28.5 बचा, 28.5 मीटर, मतलब एसी कितना है मेरा 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 28.5 मीटर निकल गया, 28.5 मीटर, तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं ये निकालू, पहले मैं ये निकालती हूँ। अब आप पूछोगे जी चाहिए तो मुझे ये, तो क्यों ना मैं ये ट्रायंगल ले लू, आप ये वाले ट्रायंगल नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, एक कोण समकोण होना चाहिए और इसमें 90 डिग्री का कोण ही नहीं है, क्लियर है मेरी बात। तो पहले मैं, और मान लीजिए फिर मुझे ये निकालना पड़ेगा ए सी डी, ए सी डी निकालने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए बी सी, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी ही लेते हैं हम, आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो चीज निकालनी है वो है हमारी बी सी, बी सी बटे क्या करोगे आप ए सी। अब देखिए कोण के सामने वाला क्या होता है लंब है, तो आपका ए सी क्या है लंब है और बी सी क्या है आपका आधार है, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री, तो वो कितना होता है आधार कितना आपका बी सी और ये कितना 28.5, तो ये कितना हो जाएगा कोटेंजेंट 60 का मान होता है 1/√3, तो 28.5 उधर से लग जाएगा, तो बी सी बराबर में 28.5 और ये बटे में कितना है √3 से ही गुणा और √3 से ही भाग हो जाएगा, मैंने बताया था ना √3 कभी भी नीचे नहीं लोगे सिंपल। तो आप क्या करोगे बेटा इसको सोल्व करोगे, तो 28.5 और √3 बटे में ये क्या हो जाएगा सिंपल 3, तो 3×3 27, 3×5 15, तो ये कितना आया 9.5√3 आ गया, ठीक है, बी सी का मान आ गया। अब मुझे क्या लेना है त्रिभुज ए डी और सी, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, अब त्रिभुज ए डी सी में सेम वही चीज रहेगी, आपको ए सी ऊपर रखना है, ठीक है, और आपका डी सी नीचे रहेगा, ए वही हो गया आपका आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया कोटेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है, कोटेंजेंट 30 डिग्री, तो आधार तो आपका कितना है वो तो हमें निकालना है, ए सी तो मुझे निकालना है बटे में, और ये कितना 28, तो 28.5 और कोटेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना आता है √3 हो गया, तो 28.5
रूट 3 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये सॉरी एसी नहीं था ये बेटा, ये क्या था, ये मैंने गलत ले लिया, एसी नहीं आएगा यहाँ पर, डीसी आना था, ऊपर डीसी और नीचे क्या आएगा एसी, ठीक है। ऊपर क्या आएगा आपका डीसी एलआर बटे लम, ठीक है, ये ठीक था। तो ये क्या आपका डीसी आ गया, ये क्या आ गया आपका डीसी, ठीक है। अब आपको पता है डीसी किसके बराबर है, डीसी किसके बराबर होता है, डीसी डीबी प्लस बीसी, डीबी प्लस बीसी, ठीक है, ये इसके बराबर, क्लियर है। मेरा डीसी का मान इतना आ गया, तो मैं डीसी का मान याद रख देती हूँ, डीसी कितना है मेरा 28.5 और रूट 3 बराबर, मुझे तो बीडी निकालना है तो बीडी को यही रहने देते हैं, प्लस बीसी कितना निकला है मेरा 9.5 रूट 3। मेरी बात समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, देखिए बीडी और बीसी, देखिए बी डी प्लस बी सी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। बी डी का मान मेरा कितना आया है, बी डी का मान वो मुझे पता ही नहीं है, बी डी को तो यही रहने देते हैं। बी सी का मान कितना आया है मेरा 9.5 रूट 3 और डी सी का मान कितना है मेरा 28.5 रूट 3। बी सी को यही रहने देती हूँ, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस में 9.5 रूट 3, इसमें से जब घटाऊंगी तो 19.5 रूट 3, सॉरी 5 में से 5 दे 0, तो 19 इंटू में रूट 3 आ गया, ये आया। तो बी सी का मान, बी डी का मान सॉरी बी डी का मान कितना आया मेरा 19 इंटू में रूट 3, तो ये आया आपका रूट 3, 19 इंटू में रूट 3, यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, बी डी ही निकालना था कि जित भवन की ओर वह लड़का जितनी दूरी चला, भवन की ओर तय दूरी वो कितनी है 19 रूट 3 मीटर, ठीक है बेटा, समझ आया सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, सेवंथ में भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु ये हो गया से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, ठीक है, भवन के शिखर पर, इसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, ये मीनार है, ठीक है, मीनार, मीनार के तल, मीनार का तल ये हो गया, मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, देखिए तल से उसने, देखिए पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, संचार मीनार के तल, तल तल तो ये हो गया ना पहले तल, ठीक है, तल तल की बात हो रही है, पहले तल की बात हो रही है, फिर मीनार के शिखर का जो कोण है ना वो कितना, पहले मीनार के तल की बात हुई थी तो पहले 45 डिग्री लिखोगे और उसके बाद ये कितना लिखोगे 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना लिखोगे 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, आपको ये निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। देखिए उसने अलग बिंदु की बात नहीं की है, तो इसका मतलब ये क्या है कि उसी बिंदु से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालनी, ये आपकी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई और ये भवन की ऊंचाई है, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे आप देखिए, सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी का मान दे रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी मान लीजिए, ठीक है, आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखो, ए बी सी में ये कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का, ये तो बात क्लियर है ना, इसके सामने वाला क्या होता है लंब, ये बात भी समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए जो चीज हमें निकालनी है, बीसी निकालना है, बीसी ये कितना है आधा और ये क्या है एबी, एबी कितना आपको दिया हुआ है लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट कितना है 45, पता है आपको कोटेंजेंट का मान कितना होता है, ये एल कितना रखा 20, तो ये 20 उधर चला जाएगा,
ये होता है 1, तो 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये भी कितना आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज, त्रिभुज बी डी और सी की बात कर ली है, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब उसमें मुझे क्या निकालना है, देखिए मुझे निकालना है क्या, ये सोचिए मुझे निकालना है पूरा डी बी, क्या निकालना है मुझे पूरा डी बी, डी और बी, ठीक है, डी बी बटे में मुझे क्या दे रखा है बी सी, डी बी कितना है मेरा लंब है और बी सी मेरा कितना है आधार, आधार कितना है मेरा ये। ठीक है, अब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री का क्या रख देंगे, अब हम मान रख देंगे, टेंजेंट 60 डिग्री का मान कितना होता है, शायद तो रुकती है होता है टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो बीडी, बीडी बीसी कितना दे रखा है हमें, बीसी है मेरा 20, तो 20 गुणा में टेंजेंट 60 कितना हो गया रूट के, तो ये आ गया आपका 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, बीडी निकल गया। अब मुझे निकालना है सिर्फ डीए, मुझे मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई किसके बराबर, आपकी मीनार की ऊंचाई बराबर है, मतलब एच किसके बराबर आपकी, इस डी बी में से अगर मैं ए बी घटा दू, डी बी में से अगर मैं ए बी घटा दू, ठीक है, इस पूरे डी बी में से मैं अगर ए बी घटा दू, ठीक है, तो मेरी क्या निकल जाएगी, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। तो देखिए बी डी मेरा कितना है 20 रूट टी और ए बी कितना मेरा है 20, ये इसमें से घटा देंगे, मान लीजिए मेरा 20 इसमें से मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, यहाँ क्या बचा रूट टी और वहां क्या बचा एक, तो ये कितने आ गया आपकी मीनार की ऊंचाई, सिर्फ मीनार की ऊंचाई आई आपकी। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए बेटा ये क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो आपको खुद फोकस आप इस चीज पर रखिए, आपकी ये ट्रायंगल देखिए ए बी सी, तो आप क्या करोगे, आप पहले ये निकाल लो इसके अंदर, ठीक है, आप अगर ये निकाल लोगे ना तो आपको इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ये निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, अब मेरा बी सी आ गया, अब मुझे बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी है, उसमें मुझे क्या लेना है ये डी डी, डी डी मैंने क्या रखा, बी डी ऊपर रखा, उससे मेरा बी डी निकल जाएगा, और बी डी जब निकल जाता है तो डी ए किसके बराबर होता है, बी डी में से ए भी घटा दोगे तो वो आपका मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एट्थ में, देखिए क्या बोला है एट्थ क्वेश्चन में उसने, ये बोला है कि एक पेड स्थल, ठीक है, कोई पेड स्थल है ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है, ये मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची, ठीक है, भूमि से एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है ये होगा मान लीजिए, एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेंटस्टल के शिखर का, उसी बिंदु से पेंटस्टल का शिखर तो ये हो गया ना, पेंटस्टल यहां तक है, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है आपको, वो दे रखा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है, तो पेंटस्टल की ऊंचाई निकालो, ये ऊंचाई निकालनी है आपको h, ये क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है h। ठीक है, ये दे दिया आपको a, ये दे दिया b और ये दे दिया c, और ये बीच में क्या है d। ठीक है, देखिए जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था सेवंथ, वैसा ही आपका ये एट्थ क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको ये दे रखा है, और पहले वाले केस में आपको सब कुछ दे रखा था, ये निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप, त्रिभुज लो, इन त्रिभुज ए में आप छोटे वाले लेते डी बी सी, डी बी सी में, डी बी सी में क्या करेंगे, हमें बी सी चाहिए तो बी सी को ऊपर रख दो, बटे में बी बी बराबर, अब देखिए इसका कोण जो है ये लंब हो गया, तो लंब क्या नीचे है, लंब नीचे है, और बीसी आधार, आधार बटे लंब क्या होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 45 कितना होता है बेटा एक होता है, तो आधार कितना आ गया बीसी किसके बराबर आ गया बीडी के। ठीक है,
उसके बाद हम बड़ी वाली त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में ये पूरा कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगी, वही सेम बी सी बटे में ए बी बराबर है, देखिए बी सी बटे में ए बी वही आधार बटे लंब, कितना आया कोटेंजेंट 60 डिग्री। कोटेंजेंट 60 का मान कितना दे रखा है, देखिए टेंजेंट 60 का मान रूट 3 होता है, तो कोटेंजेंट का कितना हो गया 1/√3 हो गया। तो BC का मान कितना आ गया बेटा, AB इनटू में 1/√3 आ गया, ठीक है। देखिए BC ये आया था, BC आया था, ठीक है, BC आया था और BC ये आया था, तो इन दोनों को ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो आप लिखोगे समीकरण 1/2 से, अगर ये दोनों बीसी बीसी बराबर है, देखिए अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो बी डी किसके बराबर हो गया आपका, ए बी बटे में √3। आपको पता है ए बी का मान क्या होता है, ए डी प्लस में बी डी, यहां रख दो ए बी प्लस बी डी और बटे में √3 है, ठीक है, ये √3 वहां चला जाएगा गुणा में बी डी के। अब बी डी को एक तरफ ले आओ, तो बी डी √3 माइनस बी डी किसके बराबर आ गया, ए डी के, ठीक है। बी डी बार कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आ गया √3 माइनस का 1 किसके बराबर आ गया आपका, ए डी के। अब बी डी को यही रहने दो, ठीक है, बी डी को यही रहने देते हो, ए डी बटे में √3 माइनस का 1, ए डी का मान कितना रखा, 1.6 यहां रख दो, 1.6 बटे में √3 माइनस का ए, ठीक है। मैंने बताया था कि रूट वाली कोई भी स्टेटमेंट नीचे नहीं आती है, तो हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, हर का परिमेयकरण करो इसमें। तो आप क्या करोगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.6 √3 माइनस 1 √3 √3, ये तो फॉर्मूला बन गया ना, कैसे, देखिए √3 का होल स्क्वायर माइनस में ए, कौन सा फॉर्मूला बना बेटा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के बराबर आए, ठीक है। तो 1.6 √3 माइनस ए, ये कितना हो गया 3 माइनस ए 2, और इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है, तो ये आया आपका 0.8 इंटू में √3 माइनस में 1 मीटर। ये क्या है आपका, है ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 8th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है, जीरो पॉइंट एट इंटू में √3 प्लस 1 है, ये माइनस 1 नहीं है प्लस 1 है, वो कैसे, ऊपर प्लस है ना, ठीक है, ऊपर क्या है प्लस है, क्लियर बेटा, आया सबको समझ में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।